सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल है। कुछ बच्चे कंधे पर एयरटेल, वोडाफोन और जियो की तख्तियां लादे दिख रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो इन कंपनी की तख्तियों को एक गड्ढे में गाड़ देते हैं और BSNL की तख्ती डाले बच्चे को कंधे पर उठाकर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक अपील लिखी है, BSNL में स्विच करो। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरह की अपील और कीवर्ड्स वायरल हैं, जैसे BSNL की घर वापसी, BSNL में पोर्ट करो। लोग खुलकर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये गुस्सा अब सोशल मीडिया से निकलकर आम जिंदगी में भी पहुंच गया है। आप पूछेंगे कैसे, तो वो ऐसे कि कई लोग अपनी जियो, एयरटेल, वोडाफोन की सिम को BSNL में पोर्ट करा रहे हैं और आंकड़े इसकी पुष्टि भी कर रहे हैं। और ऐसा करने के पीछे की वजह है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की कीमतों में बढ़ोतरी। जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी प्राइवेट कंपनियों ने अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमत में 20-25% की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसा करने के पीछे की वजह बताएंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि इस फैसले का भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी माने BSNL पर क्या असर हुआ है। आंकड़े देखें तो ये स्पष्ट है कि BSNL की बल्ले बल्ले हुई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में BSNL की सिम की बिक्री 3 गुना बढ़ गई है। दूसरी कंपनियों के लिहाज से BSNL में पोर्टेबिलिटी में भी 2.5 गुना का इजाफा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार झारखंड सर्कल के धनबाद में हर रोज BSNL के 500 सिम बिक रहे हैं। पिछले महीने ये आंकड़ा हर रोज 150 का था। इसके अलावा महज 6 दिन में BSNL के 2500 नए ग्राहक भी बन रहे हैं। राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि राजस्थान में महज 1 महीने में 161,000 के करीब लोग BSNL से जुड़े हैं। इसी अवधि में एयरटेल को 68,412 और जियो को 6,01,508 ग्राहकों ने अलविदा कह दिया। वैसे BSNL की ओर जाने वाले ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर भी है। BSNL कई किफायती प्लान अपने यूजर्स को ऑफर कर रहा है। मसलन BSNL का 107 रुपए वाला प्लान, इसमें 35 दिन की वैलिडिटी मिलती है, 3GB 4G डेटा मिलता है और 200 मिनट की वॉइस कॉलिंग मिलती है। BSNL के 108 रुपए वाले प्लान में नए यूजर्स के लिए 28 दिन की वैलिडिटी ऑफर की जाती है और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ साथ 8GB डेटा भी मिलता है। BSNL के 197 वाले प्लान में 70 दिन की वैलिडिटी मिलती है, 2GB 4G डेटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग और पहले 18 दिनों के लिए रोज 100 SMS करने का ऑफर मिलता है। BSNL के 199 यानी 199 वाले प्लान में 70 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है और 2GB डेटा मिलता है। BSNL के 397 वाले प्लान में 150 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, 30 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है और 2GB 4G डेटा मिलता है। BSNL के 797 वाले प्लान में 300 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, 60 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 2GB डेटा मिलता है। और BSNL का जो सबसे महंगा प्लान है 1,999 रुपये का, करीब 2,000 रुपये का, इसमें 1 साल की वैलिडिटी मिलती है, 600GB 4G डेटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग, BSNL ट्यून्स और कई अन्य सर्विसेज के सब्सक्रिप्शन भी मिलते हैं। हालांकि ये ध्यान रहे कि अलग अलग राज्यों और इलाकों में इन प्लान्स की कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। लेकिन इस सब फायदे के बीच एक नुकसान है, जो बड़ा नुकसान है। जियो, एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियां पूरे देश में 5G सर्विस देती हैं, जबकि BSNL सरकारी कंपनी होने के बावजूद अब भी 4G सर्विस पर ही रुकी हुई है और 4G सर्विस भी अभी पूरे देश में नहीं बल्कि कुछ राज्यों में ही दी जा रही है। जो सरकार प्राइवेट कंपनियों को इजाजत देने और उनके लिए नियम कायदे बनाने का काम करती है, उसी की सर्विस और टेक्नोलॉजी बाकियों के मुकाबले इतनी स्लो क्यों है, ये सोचने वाली बात है। बाकी जाते जाते ये भी समझते जाइए कि आखिर प्राइवेट कंपनियों ने अचानक से अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में 20-25% की बढ़ोतरी क्यों की है। तीनों ही कंपनियों के प्लान्स की कीमतें बढ़ाने के पीछे ARPU को मुख्य कारण बताया जा रहा है। टैरिफ प्लान की कीमतें बढ़ाने से कंपनियों का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU बढ़ेगा। ARPU का मतलब है कि कंपनियां एक यूजर से जितनी कमाई करती हैं। अगर एकदम आसान भाषा में समझे तो कंपनियों का टारगेट है कि ARPU को 300 रुपए तक ले जाया जाए, यानी एक यूजर से कंपनी को 300 रुपए मिले। इससे पहले तीनों कंपनियों ने ARPU का टारगेट 200 रखा था, जो पिछले साल ही पूरा हो गया था, जिसके बाद अब इस साल कीमत में बढ़ोतरी की गई। आने वाले दिनों में जब 300 का टारगेट पूरा हो जाएगा तो दाम और बढ़ सकता है। तो अब जब लोग प्राइवेट कंपनियों के बढ़े हुए दामों के कारण वापस BSNL की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस सरकारी कंपनी के पास एक मौका है कि वो अच्छी सर्विस दे और यूजर्स का भरोसा जीत ले। आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।